गाइस, बलूचिस्तान भारत का हो सकता था अगर हमारे नेताओं ने ये गलती ना की होती। जी हाँ गाइस, बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान भी कश्मीर की तरह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से हमारे देश की सीमाओं के बहुत दूर है और इसीलिए हम उनके इस निवेदन को ठुकरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिन्ना को ये खबर मिली, उसने इस रेडियो प्रसारण के 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के द्वारा बलूचिस्तान पर हमला बोल दिया और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। गाइस, हमारे नेताओं की इसी गलती की वजह से आज तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैसे गाइस, आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस, एक बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने जन्मदिन पर यह तय किया कि वो अपने वजन के बराबर सोना आजाद हिंद फौज के सैनिकों को दान करेंगे और उस दिन नेताजी को पूरे 80 किलो सोने से तोला गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसी साल जापान में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जिसके कुछ सालों बाद जापान सरकार ने नेताजी का सारा सामान, जिसमें वो 80 किलो सोना भी शामिल था, वो उस समय की नेहरू सरकार को सौंप दिया था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने नेताजी का वो सामान चेक किया तो उसमें सिर्फ 11 किलो ही सोना निकला, यानी कि नेताजी का बाकी सोना गायब था। और जब मोरारजी सरकार ने इसकी जांच की तो पता चला कि INA के 2 मेंबर्स राम मूर्ति और SA अय्यर ने नेहरू सरकार को कई बक्से सौंपे थे जिसमें काफी मात्रा में सोने के जेवरात थे। और तब से ये सवाल लोगों के लिए एक राज बना हुआ है कि आखिरकार नेताजी का वो सोना सरकार के खजाने से आखिर गया कहां। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि नेताजी का 80 किलो सोना किसने चुराया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।